हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं GTA 5। और मैं आपको बता दूं कि मैंने ज्वाइन कर लिया है बूया, जिसमें मैं रोज़ बहुत सारे मस्त मस्त क्लिप्स अपलोड करता हूं, और आप लोग बहुत सारे क्लिप्स को देख के जीत सकते हो बहुत सारी प्राइजेस। तो जल्दी से मेरे को डिस्क्रिप्शन से बूया में जाके फॉलो कर लो, फिर आपको मिलेंगे बहुत सारी प्राइजेस। तो गाइस, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि कैसे माइकल ने फ्रैंकलिन को ये वाली येलो कलर की फरारी गिफ्ट की थी, जिसके बाद फ्रैंकलिन भाई बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। और उसके बाद फिर अंडर वाटर माफिया को एक ब्लू वाली फरारी पसंद आ गई थी, तो माइकल ने उसे वो फरारी $10 मिलियन में बेच दिया। मतलब भाई अभी माइकल के पास बहुत ज़्यादा पैसे हो गए हैं, माइकल के साथ भी शायद $25 मिलियन हो गया है। तो ना माइकल के पास एक बहुत ही ज़्यादा मस्त आइडिया है। माइकल ना अभी ना उन $25 मिलियन में से ना बहुत सारी सुपर कार को इम्पोर्ट करने वाला है इंडिया, मतलब लॉस सैंटोस के बाहर से। तो अभी ना माइकल ने फ्रैंकलिन से थोड़े देर पहले बात की, और फ्रैंकलिन ने ना माइकल को एक बहुत ही बड़े कार डीलर का फ़ोन नंबर दिया है, और माइकल ना अभी बस उसी कार डीलर से मिलने जाने वाला है, क्योंकि वो कार डीलर के पास बहुत सारी मस्त मस्त सुपर कार है जो कि वो उसे इम्पोर्ट करवा के दे सकता है। तो अभी ना हम जाने वाले सीधे उस सुपर कार डीलर के घर में, हम उसे बात करेंगे और हम ना उसे बोलेंगे भाई तू हमें $15 मिलियन में जितने भी सुपर कार दे सकता है तू हमें वो सुपर कार लेके दे दे, क्योंकि हमारे पास अभी $25 मिलियन है और हम अभी $15 मिलियन का कार खरीदने वाले हैं। तो जल्दी से चलते हैं हम अभी उसके घर पर और उसे बात करके आते हैं। तो गाइस, वह सभी ने हम वो सुपर कार डीलर के घर में पहुंचने ही वाले हैं, और मेरे को ना वो इसी का एड्रेस दिया हुआ था, तो अभी हम जल्दी से चलते हैं इस वाले एड्रेस पर। तो मेरे ख्याल से भाई यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी भी है, मतलब भाई मेरे ख्याल से तो यही है वो सुपर कार डीलर का एड्रेस, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी मेरे ख्याल से और किसी के घर में हो ही नहीं सकती लॉस एंजेलिस में। तो हमें काम करते हैं, धीरे धीरे अंदर जाते हैं उसके घर में, और भाई एक बार उसके घर की सिक्योरिटी देखूंगी, मतलब इतनी सारी जी वैगन खड़ी है, और यहाँ पर पीछे एक विंटेज वाली ये मतलब कार भी खड़ी। तो अभी हमें काम करते हैं, अपनी गाड़ी को हम इधर ही पार्क करते हैं और हम चल चल के जाते हैं ऊपर। हम सबसे पहले इस वाले बॉडीगार्ड से बात करते हैं कि भाई वो डीलर बैठा कहाँ पर है, हमें जाकर उससे बात करनी है। तो गाइस, अभी ना हमने ये बॉडीगार्ड से बात कर ली, और बॉडीगार्ड कह रहा है कि सुपर कार डीलर ऊपर ही बैठा हुआ है, तो हमें इस वाले सीढ़ी से ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम जाके उससे बात करके आते हैं एक बार, और देखते हैं भाई वो हमें क्या बोल रहा है। भाई अगर ये देख लो, इधर भी एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, मतलब भाई कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, और मेरे ख्याल से तो वो ऊपर बैठा होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर तो मेरे को नहीं दिख रहा। तो हम जाके देखते हैं एक बार कहाँ है, और से जाके हम बात करके आते हैं। भाई एक बार ये देखो इसके घर में, मतलब कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी, यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी है और हर जगह सिक्योरिटी सिक्योरिटी। तो अभी मेरे को तो मिल नहीं रहा, मैं अगर इससे और एक बार पूछता हूँ भाई वो कहाँ पर है, हम और सीधे हम उससे जाके मिल के आते हैं। तो भाई अभी जैसे मैं ऐसे जा रहा था ना, मेरे को ना ये तीन सुपर कार दिखी, तो मैं अगर जाके देखता हूँ भाई ये कौन कौन सी गाड़ी है। मतलब ये सुपर कार तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रही है, और हाँ भाई ये रहा, यही है वो सुपर कार का डीलर। तो हमें उससे बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है। तो गाइस, अभी ना हमने ये सुपर कार डीलर से एकदम अच्छे तरीके से बात कर लिया है, और ये कह रहा है कि अभी ना हमें ना कार्गो शिप में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी गाड़ी ये इम्पोर्ट करवा के हमें आज ही देने वाला है। तो अभी हमें काम करते हैं, चलते हैं सीधे पोर्ट के पास, क्योंकि वहाँ पर हमारी शिप आने वाली है गाड़ी लोड होके। तो मेरे ख्याल से मैंने ना गाड़ी उस तरफ पीछे तरफ में अपनी पार्क की हुई थी, तो हम चलते हैं पीछे तरफ और अपनी गाड़ी में बैठ के चलते हैं सीधा भाई शिप के तरफ, क्योंकि अभी शिप में हमारी सारी गाड़ी आने वाली। तो चलते हैं यहाँ से जल्दी से। और गाइस, मैंने ना इसे एकदम अच्छे तरीके से बोल दिया कि भाई हमारा बजट बस $15 मिलियन ही है, और एक बार जैसे ही हमें गाड़ी का डिलीवरी मिल जाए फिर हमें तुरंत $15 मिलियन उसे देने पड़ेंगे। तो अभी ना मैं काम करता हूँ, हम ना रास्ते से बैंक से ना $15 मिलियन विड्रॉ करके ले जाते हैं, क्योंकि फिर वो हमें ना उस कार्गो शिप वाले एरिया में जाकर देना पड़ेगा। तो हम जाते हैं सीधे बैंक और $15 मिलियन लेके आते हैं, जल्दी से चलते हैं भाई, जल्दी चलो। और भाई ये देखो, अभी भी ना यहाँ पर इतने सारे न्यूज़ रिपोर्टर खड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से ना ये न्यूज़ रिपोर्टर इस आदमी का इंटरव्यू लेने आए होंगे। तो हमें इससे क्या, हम चलते हैं सीधे बैंक, हमें पैसा विड्रॉ भी करना है, जल्दी चलो भाई। तो गाइस ये देखो, अभी ना हमने ना इस वाले ATM से पूरे $15 मिलियन विड्रॉ करके इस बैग में रख लिया है। तो अभी हम जल्दी से चलते हैं कार्गो शिप वाले एरिया में, क्योंकि हमें वहाँ से अपनी गाड़ी की डिलीवरी भी तो लेनी है। तो जल्दी चलो भाई कार्गो शिप वाले एरिया में। तो गाइस, अभी ना बस हम उस कार्गो शिप वाले एरिया में पहुँचने ही वाले हैं, और ना उसने हमें इधर का एड्रेस दिया हुआ था, और अभी क्या हुआ, हमने ना पहले से ही ना बैनी को फ़ोन करके बोल दिया था कि भाई तू भी एक बार यहाँ पर आ जा, क्योंकि हमने जो जो गाड़ी ऑर्डर करवाई थी वो बैनी चेक करने वाला है सारी गाड़ी को। तो उसने हमें यहीं कहीं का एड्रेस दिया था। ओ ये देखो भाई, यहाँ पर इतनी सारी मतलब लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है, हमने एक साथ था 25 से भी ज़्यादा लैम्बोर्गिनी ऑर्डर की हुई थी, और यहाँ पर इतनी सारी लैम्बोर्गिनी ऑर्डर के आ रखी है। तो हमें ना इस वाले आदमी को ना, सामने जो आदमी खड़ा है, हमें ना उसे $15 मिलियन देना है, और फिर इस सारी गाड़ी हो जाएगी हमारी। और ये अगर ये देखो भाई कि बैनी भी ना सारी गाड़ी चेक कर रहा है कि जो जो गाड़ी हमने मंगाई थी वो सब गाड़ी ठीक है या नहीं। तो अभी हमें काम करते हैं, हम इसे सबसे पहले $15 मिलियन दे देते हैं। तो ये देखो गाइस, मैंने ना अभी इसे पूरे $15 मिलियन दे दिए हैं, और ये सारी गाड़ी अब हो गई है हमारी। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हम ये वाली लैम्बोर्गिनी के टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं कि भाई ये गाड़ी चल कैसे रही है, फिर हमें पता चल जाएगा कि ये गाड़ी अच्छी है या नहीं, फिर हम सारी गाड़ी को लेकर अपने शोरूम में जाकर रखने वाले थे। उसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं, उसकी टॉप स्पीड अगर हम चेक करके आते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैंने अपनी गाड़ी को इधर से पहले रोकता हूँ, वही गाड़ी तो बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है। तो एक काम करते हैं, इसका टॉप स्पीड भी चेक कर ही लेते हैं।
तो ये देखो अभी हमने इसका व्हील स्पिन कर दिया, और भाई ये देखो, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी आराम से 250 तो चली जाएगी। तो एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं भाई कितनी है इसकी टॉप स्पीड। तो भाई देखो 200 तो ऐसे ही टच कर दी गाड़ी। तो भाई ओ ठुक ना जाए भाई यार, गलती से गाड़ी हल्का सा ठुक गया, पर कोई दिक्कत नहीं भाई, वो तो मैंने ठीक कर ही देगा। और वैसे भी ये सारी गाड़ी ना 50% बुलेट प्रूफ है, तो इन्हें गाड़ी इस सब गाड़ी को ज़्यादा कुछ होने भी नहीं वाला। तो हमें काम करते हैं भाई, हम गाड़ी को जाके पार्क कर देते हैं इधर ही, और फिर हम बाकी सारी गाड़ी को अपने शोरूम भी लेके जाने वाले हैं। तो ये सारी गाड़ी आराम से 200 तो टच कर ही ली है, तो अभी हमें काम करते हैं ये वाली ट्रक को ना हम लेके आने वाले हैं, और बाकी ये जितने भी इधर गाड़ी खड़ी ना, इधर शायद 12 गाड़ी खड़ी है, तो ये सारी गाड़ी को लेके आने वाला बैनी। तो हम बस इतनी सी गाड़ी को लेके जाते हैं और बाकी गाड़ी को बैनी लेके आएगा। तो गाइस बस अभी ना हम लोग ये ट्रेलर को लेके जाने वाले हैं अपने शोरूम पर, पर मेरे को लग रहा है भाई कि भाई ये ट्रेलर को ना यहाँ से निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये देखो दो गाड़ी ऑलरेडी डैमेज हो गई है। पर अब ठीक है, कोई बात नहीं है, ये सब गाड़ी हमें बहुत ही ज़्यादा कम रेट में मिली है। मतलब वो जो था ना सुपर कार का डीलर, वो हमें ये सब गाड़ी बहुत ही ज़्यादा कम रेट में दिला दिया था, तो हम बाद में ये सब गाड़ी को थोड़ी सी रिपेयर करा लेंगे अगर कुछ डैमेज हो भी जाता है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं हम कार के शोरूम पर, फिर हम ये सब गाड़ी को वहाँ पर जाकर रखने वाले हैं। तो जल्दी चलो भाई। तो दोस्तों ये देखो, हमने ना बहुत सारे लैम्बोर्गिनी को ना ला के ना यहाँ पर खड़े कर दिया है, और ना हमने ना ये सारे लैम्बोर्गिनी को अपने शोरूम के पास वाले एक खाली मैदान में खड़े कर दिया था, क्योंकि हमारे शोरूम में अभी इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि हम इतनी सारी गाड़ी को एक साथ स्टोर कर सकें। तो अभी के लिए ना हम टेम्प्रेरी कुछ गाड़ी को इधर स्टोर कर दिए, और बाकी गाड़ी को हम शोरूम में रहने दिए। तो जब भी हमें ये गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, हम ना ये सब गाड़ी को यहाँ से लेकर शोरूम में जाकर रख देंगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको जानना है कि नेक्स्ट वीडियो में क्या हुआ तो जल्दी से बेल आइकन को दबा दो। हम कल मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।